नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल में। मैं हूं कैलाश सियाल। कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिनों पूर्व अपने प्रदेश अध्यक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की थी। देर शाम रामनगर के जो सल्ट के पूर्व विधायक हैं और अभी कार्यकारी अध्यक्ष वो बने, उनका जब वो रामनगर पहली बार पहुंचे, जोरदार स्वागत हल्द्वा बैरियर पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं रणजीत सिंह रावत जी, जो पहली बार उत्तराखंड की आवाज़ में कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद रूबरू हो रहे हैं। सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड की आवाज़ में। क्या आगामी रणनीति आपकी रहेगी 2022 को लेकर, क्योंकि अभी आपको एक जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष की मिली है, तो पहले तो बधाई और क्या कहना चाहते हैं सर, आप थोड़ा बताएं। जी धन्यवाद। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी साथियों का, जनता जनार्दन का, जिन्होंने कल जो है हल्द्वा बैरियर पे आकर के भारी संख्या में इकट्ठा होकर के और कई घंटे तक इंतजार किया मेरे आने का और स्वागत किया। मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिन अपेक्षाओं, जिन आकांक्षाओं और जिन सपनों, जिस डेवलपमेंट के लिए वो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और दूसरा, जो नया ढांचा हमारी पार्टी ने बनाया है, वो एक ऊर्जावान टीम है। हमारी नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के आकस्मिक निधन के, जो असंतुलन की बात की जा रही थी मीडिया के द्वारा पार्टी में, संगठन में, उसको दूर करने का भी प्रयास किया गया है और एक ऊर्जावान टीम दी गई है। जिस मैं इस बात का मानने वाला हूं कि हम उस टीम का सामूहिक उपयोग करके इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने का काम करेंगे। और जैसा मैंने समझा है, कल जो आप लोग उसके गुहार हैं, हल्द्वा बैरियर पर जो लोग इकट्ठा थे, जो उनके अंदर एनर्जी थी, वो इसलिए नहीं थी कि मैं आया मेरा स्वागत हो रहा था, वो इसलिए भी थी कि वो मेरे स्वागत से ज़्यादा वो जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ आक्रोश ज़्यादा था। वो जो हैं वर्तमान सरकार की रीतियों, उनकी नीतियों और उनके जुमलों से परेशान होकर के जो हैं वो आज सड़कों पे उतरने को मजबूर हुए हैं। बेरोजगारी चरम पे है, पिछले 47 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी इस समय है और उस सरकार में है जिस सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नए युवाओं को जो है रोजगार देंगे। रोजगार देना तो अलग, 14 करोड़ रोजगार पे जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए, जॉबलेस हो गए। महंगाई, जो खाने का तेल कांग्रेस के 70 साल में 60 रुपये से ऊपर नहीं गया, 70 रुपये से ऊपर नहीं गया, उसको आज 200 रुपये से ऊपर लोगों को खरीदना पड़ रहा। पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 35 रुपया पर बैरल, $35 पर बैरल है क्रूड ऑयल की कीमत थी, कीमत है, उस पर आज 100 से अधिक में हमें डीजल पेट्रोल खरीदना पड़ा प्रति लीटर 100 रुपये से। जब $135 प्रति बैरल थी मनमोहन सिंह की सरकार में, तब हम 40-50 रुपये में डीजल पेट्रोल खरीद रहे थे। न 15 लाख खाते में आए, न 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार मिला, न किसानों की आय दुगनी हुई, न बुलेट ट्रेन चली, न काला धन आया, लोगों को बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम बनी है, वो टीम एक मुश्त इन पर हमला करेगी और इनकी सरकार को उखाड़ देंगे। सर, तो जो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी काफ़ी वरिष्ठ कांग्रेस की नेता रही हैं और उनके निधन के बाद एकाएक सर ऐसा क्या हुआ कि प्रीतम सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया और एक नए नेता जो गोविंद गणेश गोदियाल जी हैं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई, तो ये 2022 को लेकर कोई स्ट्रेटजी है या फिर ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह है? नहीं, ये देखिए, नए इंदिरा हृदय जी के आकस्मिक निधन के बाद मैंने कहा ना, एक गैप हो गया था। तो जैसा जनरली पॉलिटिकल पार्टियों में किया जाता है कि हर समुदाय को, क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसी में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोचा होगा उस लाइन पे और गहन विचार विमर्श करके बाद, बहुत सारे लोग की राय लेने के बाद जो है ये नई टीम का गठन किया है। ऊर्जावान टीम है और बेहतर परिणाम आएंगे इस राज्य में,
जो बीजेपी की सरकार में जनता त्राहि त्राहि कर रही है उससे जनता को निजात दिला। सर 2017 से पहले रणजीत सिंह रावत सल्ट में सक्रिय रहे कार्यकर्ता और सभी लोग ने बीच में रहे, आज भी वो सक्रिय हैं। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि भाजपा को घेरने का जो सबसे बड़ा काम करते हैं वो प्रदेश में रणजीत सिंह रावत करते हैं। हर मुद्दे को जोर शोर तरीके से उठाते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे, तो वो एक कार्यकारी का उन्हें अध्यक्ष का पद जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो वो सहजता से कैसे ये सब ग्रहण कर लेते हैं? क्या आपको बड़े पद की लालसा नहीं रहती? देखिए, काम करने वाले को पद से जो है वो काम करे ऐसा नहीं है। काम करने वाला काम करता है, मेरा स्वभाव है काम करने और भिड़ने का। और पद में तो कहीं दावेदारी नहीं था, मैंने किसी चीज़ के लिए कोई दावेदारी नहीं। मैं आज भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैंने कोई दावेदारी नहीं की थी, ना कहीं मेरा नाम भी था, मुझसे पूछा भी गया था पहले, लेकिन मैंने कहा मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य इस समय जो है रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़ना और पार्टी की उत्तराखंड में सरकार स्थापित करना है, उसमें जो योगदान हो सके। ये नहीं कि मैं पूरे उत्तराखंड में सरकार बना दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक योगदान होता अपने यथाशक्ति से, जिसे कहते हैं। रामचंद्र जी जब रामेश्वरम में पुल बना रहे थे और उनकी वानर सेना पत्थरों को ला ला करके नल नील को दे रही थी और वो उस पत्थरों को तैरा रहे थे, पुल का निर्माण कर रहे थे, तो एक गिलहरी आकर के रेत में पहले पानी में जा रही थी, अपने बदन को भिगा रही थी, फिर रेत में घुस रही थी, उसके बदन पे कुछ रेत लग जा रहा था, तो उस रेत को ले जाके पुल पे झाड़ रही थी, फिर वो रिपीट कर रही थी। तो उसको रामचंद्र जी ने पूछा, तू क्या कर रही है, ये क्या है, इस रेत से क्या होगा इसमें? उसने कहा मैं गिलहरी हूँ, मेरी सामर्थ्य इतनी है, पर मैं ये तमाशा भी नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं बार बार समुद्र में जाके अपने शरीर को भिगा रही हूँ और रेत में लोट पोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका रही हूँ और इसको झाड़ रही हूँ। मैं इन शिलाओं को तो उठा नहीं सकती, ये रेत को उठा सकती हूँ, वो मैं डाल रही हूँ। तो जो मेरी शक्ति है उस शक्ति से मैं रामनगर में और प्रदेश में जहाँ जहाँ होगा अपना योगदान पूरा दूंगा। सर 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और सल्ट और रामनगर दोनों आपके कार्य क्षेत्र हैं, तो क्या मुद्दे विकास के रहने वाले हैं आपके? देखिए, इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा, इस सरकार ने हालत ऐसी कर दी है लोगों की, हम लोगों को दिन याद है नरेंद्र तिवारी की जब सरकार थी, हम पहली बार विधायक बने थे, तो मैं मुख्यमंत्री जी को सल्ट लेके आया था, तो मैं उनको जब मैं वो पेशिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड में उतरे, मैं उनको रिसीव करने गया, मैं और हरी राव जी, मैंने उनसे कहा मुझे तहसील चाहिए सल्ट, हमको पहले रानीखेत जाना पड़ता था, अब जो है भी कैसे जाना पड़ता है एक पेपर बनाने के लिए जो 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से मौलिकाल से, और सल्ट के कोनों से तो 100 किलोमीटर दूर तक कई कोनों से। तो इसको उनने कहा रावत जी करीब 30-40 तहसील बनानी पड़ेंगी और ये संभव नहीं है। मैंने कहा मैं आज आपके हेलीकॉप्टर पर लटक जाऊंगा, उड़ने नहीं दूंगा जब तक आप तहसील नहीं करेंगे। और मैंने देखा जब मैंने अपना मांग पत्र पढ़ना शुरू किया, डिमांड ऑफ चार्टर जिसे हम कहते हैं, तो हमारे 5-7 मंत्री मंच पे थे, तो गोविंद सिंह कुंजवाल जी खड़े हो और उन्होंने कहा क्या सरकार का पूरा बजट यही मांग लोगे? तो मैंने कहा था उस मंच से, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सल्टिया हूँ खाटी और हरीश रावत जी का चेला हूँ और काम कराना जानता हूँ कैसे काम होता है, लेकिन आप और आपकी मंत्री ये समझ लो, अगर हम विधायकों के काम नहीं होंगे तो हम आपकी सरकार नहीं चलने देंगे। तो गुंजाल जी और तिवारी जी ने उठ के कहा नहीं 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 नहीं, आप पढ़िए जो नहीं लिखा है वो भी बताइए, और नाच नाच के उन्होंने वहाँ घोषणाएं कि सल्ट में तहसील भी बनेगी, 55 गांवों का वित्तीकरण भी होगा, इस रोड को चमका दो, ये कर दो, ITI बोले एक की वजह दो देता हूँ, दीवाना हूँ मैं टेक्निक का, एक मांग रहे हैं दो देता हूँ। तो वहाँ से पिथौरागढ़ की भी घोषणा हुई, बागेश्वर की भी हुई, सोमेश्वर की भी हुई, तो तमाम घोषणाएँ हुई और लोगों ने कहा ये रंजीत रावत पागल हो गया, इतनी घोषणाएं कभी पूरी होती हैं? और दूसरे साल हमने वो सारी घोषणाओं को पूरा करके उनका उद्घाटन कराया तिवारी जी के प्रतिनिधि के रूप में हीरा सिंह जी से।
तो उस समय डिमांड होती थी लोगों की, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो, पॉलिटेक्निक खोल दो, आईटीआई खोल दो, अस्पताल का उच्चीकरण करा दो, स्वयं चिकित्सालय खुलवा दो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का। आज इस सरकार ने लोगों की हालत कर दी, लोग भूल गए हैं विकास की बात। इन्होंने पब्लिक की हालत ऐसी कर दी है कि हजूर दुहाई हो, 2 दिन बाद आज 2 रोटी खाने को मिली, जय हो आप, 2 दिन से भूखा था। तो यही इस हालत में ले आए हैं। किसान 6 महीने की मेहनत कर रहा है और उसका गेहूं 1500 से ऊपर नहीं बिक रहा। आज भी बाजार में बजाइए 1500, लेकिन आप आटा लेने जाएंगे 30 रुपये किलो। आखिर कौन खा रहा है उस बीज के 15 रुपये? जो 6 महीने मेहनत कर रहा है उसको 15 रुपये, जिसने खाद भी लगानी है, दवाई भी लगानी है, बीज भी खरीदना है, मजदूरी भी करनी है, अपनी हड्डी भी तोड़नी है, उसको 15 रुपये, और जो उसको प्रोसेस करने वाले बेचने वाले उनको भी 15 रुपये, बल्कि ज़्यादा। अगर आप ब्रांडेड गेहूँ लेंगे जो पिल्सबरी और किन किन के आते हैं, वो 60 रुपये किलो के। तो ये ऐसी सरकार नहीं चाहिए थी लोगों ने। मोदी ने वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे, तो ये अच्छे दिन तो नहीं थे। आज मांग उठ रही है कि बुरे दिन लौटा दो हमें, तुम पुराने वाले। तो जो इन्होंने सरकार की दुहाई हो, 2 दिन बाद आज 2 रोटी मिली, जय हो आपकी हजूर, वो हालत में लोगों को ला दिया है। हम चाहते हैं वो लोग फिर से उस संपन्नता की ओर जाएं कि जो है लोग कहें कि यहाँ डिग्री कॉलेज खुलें, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलें, यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटियाँ खुलें और नए नए विषयों पर खुलें। आज दुनिया में डिमांड बदल रही है। सर, आपकी सरकार भी रही और रामनगर विकास से बहुत परे रहा है। सर, बात करें केंद्रीय विद्यालय की, नहीं रहा, मंडी थी हल्द्वानी शिफ्ट हो गई, तो इन सब को लेकर सर क्या 2022 में कुछ रणनीति आपकी रहेगी? निश्चित रूप से रहेगी। रामनगर का जो नाम है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पार्क नाम है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो रामनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आता है, मैं दुनिया में 60 से ज़्यादा देश घूम चुका हूँ, वो सुविधाएं हम नहीं मुहैया करा पाए। आज हमारे पास अभी तक जो है सिर्फ एक ब्रांडेड होटल है ताज, 2-3 और बन रहे हैं, लेकिन यहाँ सारे ब्रांडेड होटल लाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दिल्ली से मुरादाबाद तक जो है 6 लाइन की वो बन रही है, लेकिन मुरादाबाद से इधर को आ जाओ तो फिर जितना टाइम वहाँ लग रहा है उससे ज़्यादा इधर आने में लग जाता है, उसको बनाना पड़ेगा। हमारा देहरादून जाने के लिए जो पंडी रोड है उसमें एक एक्सप्रेसवे बनानी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट है आज के दिन मेरे ख्याल से कम 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपया आएगी। तो ये बड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा डिग्री ले तो उसको रोज़गार मिले, और रोज़गार हमारे पास है। हमें अपने प्रकृति को पहचानना पड़ेगा, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं अगर हम उसको पहचानेंगे तो हमारे पास रोज़गार की कमी नहीं रहेगी। तो अभी हमारे साथ थे नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत जी, उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।